ये चेक करो घर में क्या गाड़ी खड़ी की हुई है, माशाल्लाह यार खूबसूरत लगा दूंगा यार। मैंने असर को बताया सारा, जिस तरह यही लगनी है ठीक है। फिर मैं कहता हूँ पूरी दुनिया देखे ठीक है। अब आज से पहले मैं इतना एक्साइटेड नहीं हुआ, मार्केट्स के बारी हुआ था लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं थी कि यार ठीक है। हाँ जी वैसे क्या यार स्कूबी डूबी होगी वैन लग रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक है, से मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग बॉयज। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और अनहोनी ये हुई है कि रमजान के महीने में फर्स्ट टाइम हम सुबह सुबह उठ के कहीं जा रहे हैं। इस वक्त है जी हम अंडा करोला पे ठीक है, जो जिन्होंने ये डिस्टोरेशन वाली सीरीज देखी है उनको पता होगा कौन सी गाड़ी है ये। इसके ऊपर जाके हम क्या करवाने लगे हैं, हमें ब्रांड की जानिब से बुलाया गया है कि आप आओ हम आपको एक ऐसी फिल्म लगा के देंगे, ऐसी शीट लगा के देंगे कि आपका एसी 80% बेहतर परफॉर्म करेगा, आपको यूवी रेज से प्रोटेक्शन मिलेगी। मैंने कहा ठीक है 100 बिस्मिल्ला चलते हैं, घर की गाड़ी है ये भी, कोई बाहर की गाड़ी नहीं है, लेट्स गो चलते हैं, इस गाड़ी के अंदर वो लगवाते हैं बिना किसी देर के चलते हैं और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। एक मिशन था हमारा रमजान में, अल्लाह करे वो कंप्लीट हो जाए, दुआ तो है। उसी के चक्कर में आपका भाई डेली ब्लॉग्स भी कर रहा है। क्या आपके भाई को चाहिए फुल इज्जत, 300K इज वेरी नियर, सब्सक्राइब कर दो मेहरबानी करो और इंस्टा पे भाई को फॉलो भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय से आगाह भी कर सकते हो, वीडियो कैसी लगी या सजेस्ट भी कर सकते हो भी भाई ऐसे ये कर लिया करो वो कर लिया करो के ना लिया करो चल के ये काम करवाते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्थ इट है या नहीं। अभी एक और बहुत जरूरी बात है जो कि मैं अभी थोड़ी देर बाद फ्री हो जाऊँ ना, जरा वेला शेला हो जाऊंगा, जुम्मा भी मेरी जो लुक है किस तरह की लग रही है, जुम्मा जुम्मा पढ़ ली है, उसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या चल रहा है जिंदगी में ठीक है। एयर के रिलेटेड काम है, आपको बड़ी खुशखबरी सुनानी है, वो मैं जरा आपको जुम्मा प्रेयर्स के बाद मिलूंगा फिर समझाऊंगा, अभी जाके इसके ऊपर वो जो है शीट वो लगवाते हैं। अच्छा अभी हो गया रहा है, सीन ये है कि अभी धूप फुल करारी किस्म की पड़ रही है ना, तो जरा धूप शूप लग रही है मुझे, अब वो ज्यादा फील हो रही है धूप, वो जो काम करवाने जा रहे हैं ना वो सोच सोच के तो धूप ज्यादा फील हो रही है, वरना आम दिनों में नहीं चुपती थी आज चुप रही है। अपडेट ये गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है, ये जो है ना इसकी टेपिंग शेपिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है ये वाली एक शीट है, ये फिल्म पड़ी हुई है, ये वाली फिल्म चढ़ाई जाएंगी इसकी स्क्रीन के ऊपर, जैसे ये इसके ऊपर लगती है फिर हम आपको दिखाते हैं प्रोसेस जो है। आई एम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग, साथ साथ आपको भी इस रिकॉर्डिंग का हिस्सा बनाएंगे। A few inches later. लो जी बॉयज ये जो फिल्म है उसकी कटिंग शटिंग हो गई है ठीक है, ये जो हमारे कोरियन भाई हैं उन्होंने की है और कटिंग शटिंग करके तो अब इसको जो है ना फाइनल मरले पे अंदर की तरफ अब लगाना है इन्होंने। सो बॉयज अपडेट ये है कि हम लोग फ्री हो गए हैं, गाड़ी के ऊपर नैनो कूलिंग फिल्म जो है वो लग चुकी है, लेकिन गाड़ी को अकॉर्डिंग टू दैट गाय 5 से 7 दिन चाहिए, ये खुद ही ठीक हो जाएगा और उसके बाद शायद असल काम शुरू करेगा। अभी कोई ऐसा फर्क मुझे, मतलब ये कहूँ कि बहुत जमीन आसमान का फर्क है, वो वाला फर्क फील नहीं हुआ। अच्छा मजे की बात एयर की कहानी से पहले आपको एक और कहानी सुनाऊं। तो कहानी कुछ यूं है गाइस के 5 अप्रैल है आज ठीक है, आप ये व्लॉग 7 या 8 को देखोगे गाइस या 6 को देखोगे पता नहीं एग्जैक्ट, आई एम नॉट 6 को तो नहीं, लेकिन मकसद आपको बताने का ये है कि आज है 5th of April, आज के दिन हमने अपनी क्राउन प्यारी, ड्रोगो प्यारी, शेरनी जो भी आप उसको कहना चाहें, जो हमारे दिल के बहुत करीब है, एक ही हमारे पास अनमोल गाड़ी रह गई है जो दिल के बड़े करीब है, वो है क्राउन। तो आज के दिन वो हमने परचेज की थी फ्रॉम इस्लामाबाद, आपके भाई को मेमरीज आई है स्नैपचैट की, जाके वो मेमरीज देखो, उसके बाद मैं आपको एयर वाला सीन बताता हूँ। अब मुझे बता भाई मेरी गाड़ी में एयर कब लगनी है, मुझे ये बता दे, मेन बात पे आ जा। संडे को यार, संडे को लगा देगा मेरी जान, लगा दूंगा यार। मैंने असर को बताया सारा, जिस तरह यही लगनी है ठीक है। नहीं मतलब कोई ऑल्टरेशन है कोई टाइम, आपकी गाड़ी में लगाएंगे फुल सेटअप ठीक है। इतनी खुशी तो जनाब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है ना वो शॉर्ट्स देख लिए होंगे जिसमें हम ये गाड़ी खरीदने गए थे, आपका भाई बड़ा हैप्पी था ये गाड़ी लेके, और यकीन मानो स्टिल नाउ टिल डेट आई डू नॉट रिग्रेट माय डिसीजन ठीक है। एक गाड़ी जिसका लेने का सोचा था उसका तो प्लान कैंसिल हो गया था, तब मैंने सोचा था जिस व्लॉग में हम सुनील भाई की तरफ इफ्तारी पे गए थे उस व्लॉग में मैंने गाड़ी देखी थी, उस गाड़ी को अगर मैं लेता तो शायद मैं ये गाड़ी भेज देता, लेकिन क्योंकि वो सिनेरियो इस तरह का नहीं बना और अल्लाह की तरफ से वो हो गया, तो मैं एक तरह से शुक्र भी अदा करता हूँ कि हमारी क्राउन बच गई है, एमवी क्राउन ने रगड़ा खा जाना था। Anyways, क्योंकि सेम योनरा की गाड़ी है तो मैं बड़ा खुश हूँ कि यार मेरे पास एक ऐसी चीज है, अल्लाह का शुक्र है बड़ी साफ है ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आपका भाई बड़ा हैप्पी है। बाकी बातें एक तरफ, अली रजा ने हमें कल रात कॉल की है जिसमें उन्होंने हमें खुशखबरी सुनाई है कि आपकी एयर आ गई है, आप आगे काइंडली किसी भी दिन आके लगवा लें। अब आपका भाई कब लगवाएगा और कब आपको व्लॉग देखने को मिलेगा मैं नहीं दिखाऊंगा, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन सारा कुछ ना वो इंटरलिंक ऐसा लग रहा है, मैट्रिक्स चल रहा है ठीक है, आपस में इंटरलिंक है हर चीज। तो अभी हम एयर इंशाल्लाह बहुत जल्द लगाएंगे, आपसे
ज्यादा कुछ नहीं मांगा आपके भाई ने, आपके भाई ने सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार मांगा है, प्यार सब्सक्राइब के रूप में मांगा है। ठीक है, जरा सब्सक्राइब की मेहरबानी करो। A few moments later. हेलो जी बॉयज, आखिरी जुमा रमजान, माह रमजान का, अल्लाह ताला की बातें मरी यहाँ कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। So boys, अपडेट ये क्या होगा भाई गा रहा है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह नया सूट पहना है, चेक करो माशाल्लाह क्या जज रहे हैं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कैसी लग रही हो आप भाई, एटीट्यूड बड़ा सेलिब्रिटी हो गया भाई, अब आई बदल गई है बच्चे, ओ देखा अब आई बदल गई है हम तो सेलिब्रिटी है ना, हेलो हम सेलिब्रिटी है बेटे लेट हो गए यार, ये चॉकलेट में कौन सा अच्छा है, चॉकलेट में सबसे अच्छा कौन सा केक है, चॉकलेट में सर ये टाइगर चॉकलेट टू। चलो जी चलो जी चलो, माशाल्लाह अपनी आर एस कर वो भी रेडी है, लेट्स गो इन दिस कार, माशाल्लाह साफ सुथरी है आज, बस भाई निकले यार निकले, बहुत लेट हो गए गाइस, बहुत लेट हो गए हैं, माशाल्लाह चेक करो यार कैसा गोल्डन आ रहे हैं। सो बॉयज अपडेट ये है कि इस वक्त तारी में ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट रह गए हैं और हम एज मामूल के मुताबिक हम हो गए हैं लेट। ठीक है, कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है, पानी की बोतल हमने साथ रखी है, तारी रस्ते में हो गई तो, और आज जो रोजा लग रहा है उस्ताद जी, हुए 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 हुए, मैं बताया ना आपको भाई सुबह आज फर्स्ट टाइम हुए कि रमजान में मैं सुबह सुबह उठ के कहीं गया हूँ, पूरा दिन जागा हूँ लिटरली, अभी इफ्तारी से एक घंटा पहले मेरी आंख लगी है और मैंने कहा यार जरा नींद पूरी कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना इफ्तारी पे जाना है और ब्लॉग शॉप भी कंटिन्यू करना है, वापस आ गई ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं, आपका भाई आज के दिन में 3 घंटे सोया हुआ है। अच्छा भाई, ये सिर्फ और सिर्फ ईद की मार है, यकीन मानो आखिरी अशरा हुआ है ना तो इफ्तारी के दौरान इतना रश होता है, वैसे यूजुअली पहले और दूसरे अशरे में इतना रश नहीं होता था, इधर से हम गाड़ी कर लेते हैं लेफ्ट ताकि हम सर्विस लाइन से नीवी नीवी होकर निकल जाएं। गाइस ये जरूरी था, बहुत जरूरी था फोन कॉल सुनना इतनी ट्रैफिक में, और मजे की बात यह है कि इफ्तार में कुछ ही बस एक दो मिनट बाकी है, इसको जो है ना खोल लेते हैं ताकि हमें जो है ना अजान की आवाज आ जाए, अगर ये पी पी टाटा से फुर्सत मिले तो। सदके अंकल जी, सदके आपके, माशाल्लाह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, अब लोग कहेंगे आप ही तो ब्लॉग बना रहे हो, मोबाइल पकड़, बिल्कुल ठीक कहा आप, दुरुस्त फरमाया, ठीक है आप करें अंकल जी बात, कोई मसला नहीं। भाव जी वैसे क्या यार, स्कूबी डूबी की वैन लग रही है वो कोई न्यूज चैनल की वैन नहीं लग रही, और रोटी खुल गई जे शवीक अहमद, टोर लियो टोर लियो टोर लियो यार, मुझे ना अजानों की आवाज़ नहीं आई लेकिन इधर उधर गाड़ी में सब ने रोजा इफ्तार कर लिया, सारे ही कुछ खाते पीते नजर आ रहे हैं, मेरा ख्याल है मैं भी रोजा इफ्तार कर ही लेता हूँ। भाई साहब इसी से अंदाजा लगा लो आपके भाई को रोजा किस कदर लग रहा था। चलो बस अब एसएन की तरफ मिलते हैं आपको। A few inches later. हैं? आप श्रद्धा कर दिया उसे? क्या हुआ? कहता नहीं आ रहे यार। बाहर जाके देखा है। मैं कहता नहीं है, मैं वापस आ गया। मैं कहता नहीं आए। भाई रोक। माशाल्लाह जितना तू सेहतमंद है ना, जैसे तू बैठा है ना, बहुत फनी लग रहा है। गाइस फाइनली हुडी उतर गई है भाई की, मुबारकबाद पेश करें भाई को। हुडी उतर गई है, सुनो मेरे पास एक हुडी नहीं है, मेरे पास 4 हुडी है, मैं रोज अलग पहनता था, मैं क्लियर है भाई कब तू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक है? गाइस ये पीटी अप्रूव करवा रहा है अपना फोन, बेचारा उसमें बिजी है। हमारे होस्ट साहब कैसे हैं सर, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से? कूपन ठीक है, सुना गियर दोबारा उड़ गया, हो गया पीटीए भाई आपका? और अभी जो है ना इफ्तारी कर ली है और अब थोड़ा सा जरा वेट कर रहे हैं, आपको पता है इफ्तारी के बाद सुस्ती होती है, सारे अंदर लमलेट है, सारे अंदर रेस्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह मैं जब आया हूँ ना एसन के घर, तो सबसे पहले मेरे जहन में ख्याल ही आया कि एसन के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, माशाल्लाह अमीर हो गया मेरा भाई। ये चेक करो घर में क्या गाड़ी खड़ी की हुई है, माशाल्लाह यार खूबसूरत 10x10 गाड़ी यार, ऊपर से इतनी शाइन कर रही हो ना काली गाड़ी, तो लगता है किसी जात की गाड़ी है, इतनी शाइन और ब्लैक कलर शाइन, ये देखो ये भी तो ब्लैक है ना, शाइन इसकी शाइन देखो और इसकी देखो, माशाल्लाह यार वो रेगुलर यूज करने के लिए ये मैं कभी कभी निकालता हूँ वीकेंड कार। हाँ, इसलिए तो बुलाया आपको दिखाने के लिए वीकेंड कार का। जी हाँ भाई को तो आपने रखा हुआ ना, ऐसे ही है ना, है ना, वैसे ही आए हुए। तो खैर एनीवेज हमारे पास निसान 350Z है ब्लैक कलर की, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गाड़ी है, कितने इंच के रिम में भाई है, 18, और माशाल्लाह चेक करो स्टांस, चेक करो गाड़ी का। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये गाड़ी चलाते कैसे हैं, क्योंकि नीचे देखो कोई राह नहीं है आपको, हल्का सा भी गैप नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये गाड़ी एयर पे है। माशाल्लाह माशाल्लाह यार बहुत खूबसूरत गाड़ी है, गाड़ी खुली हुई है, खूबसूरत यार अंदर बाहर से खूबसूरत है, माशाल्लाह यार वेरी नीट एंड क्लीन कार, गुड यार।
माशाल्लाह ऐसी गाड़ी आपके गैराज में खड़ी हो ना तो वैसी ही अच्छी लगती है। ये क्या शशका प्रूफ किया आपने भी? यार ये पता नहीं क्या है, पानी चला गया चैनल में। ये खुद ही शीशा नीचे क्यों हुआ? ये तो इसके चैनल में शायद पानी चला के गाड़ी धुली है ना यार। डैक के पास अभी गाड़ी आपको पता है तो कुछ ना कुछ बंद हो रहा है आजकल। लेकिन इसमें ना एक वैसे भी फीचर है, अगर दरवाजा बंद करूंगा भी तो शीशा और ऊपर चला जाएगा। अच्छा वो फ्रेमलेस होने की वजह से ये ओ हाँ। तो खैर एनीवेज बॉयज माशाल्लाह काफी खूबसूरत जी है। जी आपको काफी सारी चलती नजर आती हैं लेकिन कुछ गिनी चुनी जीज होती हैं जो इतनी साफ होती हैं और अप्रिशिएट करने के लायक होती हैं। सो दिस इज वन ऑफ दोज जीज। माशाल्लाह यार एक आधी गैराज में खड़ी हो ना वैसी घर महंगा हो जाए। वो रोटी आ गई, रोटी आ गई, रोटी आ गई, रोटी आ गई। माशाल्लाह वाह जी वाह, सुभान अल्लाह क्या बात है। अच्छा यहाँ पे आ गई चिकन कढ़ाई बिरयानी। ये क्या ब्रो? कोफ्ते, अंडा कोफ्ते, बढ़िया। सो बॉयज अपडेट ये है कि इफ्तारी वाले वेन्यू से हम हो गए हैं फ्री, ठीक है, खाना शाना भी खा लिया। इट वाज अ लवली इवनिंग, मजा आया, खाना शाना भी मजे का था। A few moments later. Boys, update ये है कि हम लोग वेले शेले हो गए हैं, ठीक है, रोटी शोटी खा ली है। बबलू साहब ने माशाल्लाह काफी मजेदार सा इत्तेमाम किया हुआ था, इत्तेमाम किया हुआ था, इत्तेमाम कर दिया था। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि हम लोग जो है ना गाड़ी अब ढूंढेंगे। जैसे कि आपको पसंद आया, मैंने देखे हैं रिव्यूज, मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, आप लोगों को यकीनी तौर पे वो गाड़ी अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी लगती है एक बात कि हम सब की मतलब जितने भी व्यूअर्स हैं थिंकिंग बहुत ज्यादा मिलती है, पता नहीं क्यों, बड़ी अच्छी बात है। और ये मैं एक तरह से अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे जो ऑडियंस मिली है ना वो लाइक माइंडेड पीपल बहुत ज्यादा है मेरे साथ, जो मेरी तरह सोचते हैं, जो मुझे पसंद आता है वो उनको भी पसंद आता है, तो मुझे इस चीज की बड़ी खुशी हो। तो अब करना हमने ये है कि अब उस गाड़ी पे ज्यादा आ गया है तो मैं उस गाड़ी को कोशिश कर रहा हूँ कि वो गाड़ी उस तरह की गाड़ी या कोई इस टाइप की गाड़ी या फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन ये है कि क्राउन को ऑल इन कर दिया जाए। ऑल इन मतलब सारे पत्ते फेंक के ऑल इन कर दें हम और क्राउन की फिर ऐसी लुक निकले ना कि फिर मैं कहता हूँ पूरी दुनिया देखे, ठीक है। अब आप लोग मुझे मशवरा इसमें दे सकते हो कि अभी भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, क्योंकि X100 और क्राउन काफी सेम लगती है लेकिन X100 दिखने में बहुत अच्छी है और उसके जो इंजन मॉड्स है ना वो मैं क्राउन में भी कर सकता हूँ यकीनी तौर पर। ये मैंने अभी डिस्कशन की है अपने यारों दोस्तों के साथ, ये भी कर सकते हैं हम लोग। तो काफी सारी ऑप्शन है जो दिमाग में चल रही है और बस डेली व्लॉग चल रहे हैं। तो इसी नोट पे जो है ना आज का व्लॉग खत्म करते हैं। आपका भाई काफी कुछ सोच रहा है, इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग में आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या करेंगे क्योंकि काफी सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं। आप लोग भी मशवरा दे सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कमेंट में आप अपना मशवरा दे सकते हो, अपने भाई को इजाजत दें और मुझे आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये डेली व्लॉग कैसे लग रही है। अच्छा रिस्पॉन्स आया है मुझे, इवन 2-4 दोस्तों ने रीच आउट किया, उन्होंने कहा उन्होंने यार अब स्वाद आ रहा है तेरे डेली व्लॉग्स का। तो आई होप सो कि आप लोग इंजॉय कर रहे होगे क्योंकि आई एम गिविंग माई बेस्ट, तो आई होप सो कि आपको मेरा जो बेस्ट है वो अच्छा लग रहा हो। कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि आई लव यू गाइज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।